करो संदीप क्या काम कर रहा है। अबे कंडक्टर जल्दी ओ, देख रहे हो गाइस संदीप राइडर। तो भाई संदीप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रक ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस अभी हो चुकी है सुबह, रात को मेरी गाड़ी भर के आ चुकी है, रात को बहुत ज्यादा उत्पाती है करके सो गए थे, अभी मेरी गाड़ी लोड वोड करके आ चुकी है तो मैं लिख लूंगा आज गाड़ी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ब्रश व्रश कर लिया हूँ, अभी घर से निकल चुका हूँ। संदीप का क्या है ना, थोड़ा सा ना शरीर खुश आ रहा है तो उसको जा रहा हूँ एक इंजेक्शन दिलवाऊंगा, उसके बाद में ना उसको लेके आ जाऊंगा यहाँ से। मैं संदीप राजेश विशु सब साथ में लिख लेंगे गाड़ी लेके, क्योंकि उन लोग का भी गाड़ी एक ही कंपनी का माल लोड किया। तो ठीक है गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ संदीप के घर, संदीप को इंजेक्शन लगवाने के लिए, चलते हैं। चार पांच हजार रुपया लगेगा तब तो जल्दी ठीक होगा। चल चल चले, गिर भी दे दूंगा। चल चल चलते हैं ना, कम से कम 4-5 हजार लगेगा तब तो जल्दी ठीक होगा। चल 4-5 हजार लगेगा। तू सोच रहा है अब जाके राशन कार्ड लेके 1 रुपया वाला पर्ची कटा के आ जाएगा ठीक हो जाएगा, तो उसमें ठीक थोड़ी होगा भाई, उसमें और फैलता है भी। तू क्या सोच रहा है, अपने आपको गिरवी देगा, 5,000 रुपया निकालेगा। इसको ले जाता हूँ, इसको वहाँ पे दवाई करा के इसको गिरवी मार देता हूँ, बाकी डॉक्टर लोग लीवर उवर निकालना तो आता ही होगा, उनको कोई तीसरा जगह लेके जाना ही नहीं है। सो गाइस यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे संदीप को लेके आ चुका हूँ और संदीप का चेकअप हो रहा है, पर्ची वर्ची कटा लिए हैं और यहाँ पे संदीप को चेकअप हो रहा है। संदीप को ना इंजेक्शन उंजेक्शन लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और लंबा चौड़ा दवाई ववाई देने की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बाहर में खड़ा होकर सुन रहा था, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो संदीप पर्ची तो बनवा लिया, वहां पे जब इंजेक्शन का बारी आया तो वहां से बहुत ही स्पीड निकल के भगा भाई, लेकिन बोल रहा कराऊंगा ही चीनी बोल रहा, पर्ची वर्ची फाड़ के पूरा फेंक दिया, कोई प्राइवेट सा वर्मा वर्मा में करा लूंगा बोल रहा है। क्यों नहीं कराया वहां पे चल में वो क्या इंजेक्शन से भाई इसकी फट गई, लेकिन मैं समझ गया भाई इंजेक्शन से तेरी फट गई भाई, लेकिन जाना था कराना था भाई, खुदली में रिक्स नहीं लेना था। सो देख रहे हो अभी हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड के साइड, अभी मैं संदीप का एक छोटा सा काम है उसको निपटा के और संदीप को लेके चलूंगा, उसके बाद अपन रायपुर के लिए आ चुके हैं पेट्रोल पर, हमें पेट्रोल डलाने। देख सकते हो एक ट्रिप में ना 35,000 इतने का डीजल खाती अपनी गाड़ी, नीचे वाला अमाउंट है ना सिन्हा जी, एक ट्रिप में 34,500 की भाई डीजल पीती है, देख लो इतनी बड़ी आती है। और यहाँ पे एक सेकंड चेक कर सकते हो पूरा टंकी हो गया, अभी इसको ढक्कन वक्कन बंद करते हैं और निकलते हैं रायपुर के लिए। बाकी यूरिया नहीं डालेंगे, यूरिया पिछले ट्रिप डाले थे, उसके पिछले ट्रिप भी डाले थे, यूरिया भी बहुत ज्यादा है। ठीक है गाइस इसको बंद करते हैं और निकलते हैं रायपुर के लिए। अभी गाड़ी में पूरा डीजल यूरिया डला लिए, टंकी फुल करा लिए, जो भी जरूरत था हर चीज को डाल लिए, अभी यूरिया पानी सब चीज ओके कर लिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं रायपुर के लिए। और आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ना मेरा भाई भी मेरे साथ रायपुर जाने वाला है, संदीप मैं विशु और मेरा ये अपना सब साथ में रायपुर निकलेंगे। चेक कर सकते हो पेट्रोल पंप में अब जस्ट 34-35 हजार का डीजल चला है, तो निकल रहे हैं गाइस अपन रायपुर के लिए, चलते हैं आगे। राजेश का गाड़ी है उसके पास रुकेंगे, उसको लेके निकलेंगे, तो बाकी वीडियो बनते रहो, वीडियो को देखते रहो, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का। तो फिर हम लोग निकल रहे हैं रायपुर वैली बाईपास में आ चुके हैं, देख रहे हो ये जस्ट मेरी गाड़ी सामने लगी हुई है और पीछे काफी सारी गाड़ी लगी हुई है, और राजेश का गाड़ी संदीप लेके आ रहा है क्योंकि राजेश नहाने घर गया। एक सेकंड संदीप को दिखा रहा, संदीप पहुंच गया, ये सामने वाली राजेश भाई की गाड़ी अपनी, देखो इधर संदीप लेके आ रहा है, अभी संदीप भी जाने वाले अपने साथ रायपुर में। और अच्छे से बस ब्रांड में यही रहने, अभी निकलने ही है ना। तो देख रहे हो गाइस संदीप राइडर। तो भाई संदीप उस लायक बन गया कि गाड़ी ऑल इंडिया में कहीं लेके जा सके, अभी जस्ट संदीप की भी गाड़ी आ गई, राजेश की भी गाड़ी संदीप लेके आ गया, सामने मेरी गाड़ी रही, अभी राजेश नहा के जस्ट आ रहा है तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे रायपुर के लिए। काफी ज्यादा धूल है, गाड़ी बंद कर, चल मेरे गाड़ी बैठते हैं। तो देख रहे हो गाइस संदीप कितना इतना रफ गाड़ी चलाते हैं भाई, नहीं तो हाँ तो फिर इतना भगाया कैसे है। चले हम लोग इतने बड़े हो गए, इतने सीनियर सिटी ड्राइवर हो गए, हम लोग आज तक कभी ना भगा के नहीं चलाए, तुम लोग को चलाने नहीं आता है ऐसा, देख रहे हो गाइस हम लोग को चलाने नहीं आता, पानी पिला संदीप सिखाएगा, संदीप अभी सिखाएगा हम लोग को चलाना, तो ठीक है भाई कब सिखाएगा, चल तो रायपुर से चलते हो, रायपुर रोड में बगल में भी क्या के सिखाऊंगा, मेरे को सिखाएगा मोहन भी सिखाएगा, दबा दूं दबा दूं टेटू अरे दबा दूं, देख रहा है भाई तेरा ड्राइवर को मारे दूंगा समझा, मेरे को मारेगा। एक सेकंड में कैमरा बंद करता हूं, इससे प्रश्न नहीं पड़ गया। फाइनली रायपुर निकल रहे हैं, हर चीज रेडी कर लिए, देख रहे हो इतने सारे लोग हम लोग रायपुर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे राजेश भाई मेरे साथ में जाने वाला, संदीप और विशु और मेरा हेल्पर अबुलेश, इतने सारे लोग सारे के सारे अभी रायपुर निकल रहे हैं, सब चीज रेडी कर लिए, तो अभी निकलते हैं भाई रायपुर के लिए। ये ट्रिप बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होने वाला है, राजेश 2 महीना बाद मिल रहे हैं, 2 महीना बाद
राजेश अभी सीआरपीएफ वाले में गया था, मैं बताया भी था पहले ब्लॉग में, अभी आया है तो अभी गाड़ी बात साथ में चल रहे हैं। तो ठीक है अभी यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं रायपुर के लिए, सुबह तक फैक्ट्री पहुँच जाएंगे। देख रहे हो कटिंग वटिंग करा के आया पूरा दिखा रहा है। चलते हैं गाइस, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं, फिर वीडियो बने रहो, वीडियो को देखते हैं। कितना खतरा एक्सीडेंट हुआ है, ये गाड़ी वाले ने ला के इसको बेचारे को मारा, सही सलामत को अंदर घुसा दिया है। देख रहे हो मतलब मेन रोड से भाई सीधा नीचे रोड से उतार दिया है। चढ़ा चढ़ा बे जल्दी, देख रहे हो भाई संदीप ना बिल्कुल नहीं चढ़ा पा रहा है, अबे छोड़ना था थोड़ी देर के लिए बे उसके लिए, अबे सामान सामान ले लेना, मैं तो ढाबा में बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा। संदीप को मैं गीला कर दिया था, अभी मेरे को धमकी दे रहा है। काटूंगा इसका, काटूंगा। क्या काटेगा, मेरा कंडक्टर देख लो ज्यादा उड़ रहा है, जिसको मैं मार दूंगा। इतना बड़ा मेरा बेटा हो गया है, इतना दिन से मैं गाड़ी में नहीं था, मार मार मादर सुध निकल दिया है, इसको सुधारने में आ गया हूँ गाइस। गाइस और गाइस की माता, देख रहे हो गाइस लोग फूल बगर चोरी कर रहे हैं। चल बिशु अपन जा रहे हैं, मैं और बिशु जा रहे हैं अभी अपने गाड़ी में, मैं सामने रोका सामान लेने के लिए, तो चलते हैं गाड़ी, फिर निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी लेके। अभी जा रहे हैं हम लोग सामान वामान लेने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, सामने में सामने सामान दुकान है। कौन कौन क्या क्या सामान लेगा, मैं तो बकरा लूंगा और कुछ नहीं, पैसा तुम दो, देखते हैं जो जो भी मिलेगा लेके चलेंगे। अभी जाके सामान वामान लेते हैं, लेते हैं यहाँ से लेके चलेंगे, सामने पीछे में आगे में जहाँ भी रात होगा वहाँ पे पहले देख लो भाई पैसा निकालना है। मेरे पास है कि नहीं पैसा, अबे पैसा मेरे पास है, मेरे पास कैश नहीं, ऑनलाइन है जो भी है। तो गाइस अभी हम लोग ना कोंडागांव पहुंचने वाले हैं, मतलब कोंडागांव से थोड़ा सा पहले बनिया गांव में रुके हुए हैं, तो यहाँ पे अपन सोचे खाना वाना बना के खा लेते हैं ठंडी का टाइम में, उसके बाद में निकलेंगे। रात को तो पूरा गाड़ी चलाना ही है, देख सकते हो पीछे में संदीप गेम वेम खेल रहा है, बीसू है, और इधर में राजेश बैठा हुआ है ट्रेडिंग कर रहा है। भाई ट्रेडिंग कर रहा है, देख रहे हो खेल रहा है बढ़िया भाई, अपन सब भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके जुएड़ी बने हुए। बाकी इधर देख रहे हो ये खाना वाना बना रहा है बउआ अपना, अपन भी इसके साथ हेल्प कर रहे हैं, तो खाना वाना बनाएंगे खाएंगे उसके बाद में निकलेंगे। अबे चुपे, तो खाना वाना बनाएंगे खाएंगे उसके बाद में निकलेंगे, क्योंकि रात भर गाड़ी हो गया अभी। इन लोग अभी बहुत ज्यादा बकर चोरी कर रहे हैं, तो वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा बना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो। बोलते हैं सब, जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।